अरबाज खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म दबन 3 को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। अभी हाल ही में फिल्म की पूरी टीम जयपुर के लिए रवाना हुई थी। अभी जयपुर में दबंग 3 के तीसरे स्केड्यूल की शूटिंग जारी है। इसके अलावा अरबाज अपने रिलेशनशिप के चलते भी खबरों में रहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि मलाइका के साथ अरबाज का तलाक हो चुका है और अब अरबाज अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया के साथ काफी खुश हैं। दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है, कभी डिनर डेट पर तो कभी फैमिली गैदरिंग में। अब ये कपल बॉलीवुड का ट्रेंडिंग कपल बन गया है। इसी के चलते इस ब्यूटीफुल कपल को कई इवेंट्स पर एक साथ बुलाया जाता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। ये कपल पहुंचा एक सक्सेस सेलिब्रेशन इवेंट पर, जहां बॉलीवुड की जानी मानी फैशन डिजाइनर मुस्कान नारंग को अवार्ड से नवाजा गया। मुस्कान नारंग को इससे पहले सीमा के नाम से जाना जाता था। यहां मुस्कान को फैशन इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पुरस्कृत किया गया। मुस्कान ने इससे पहले कई इंटरनेशनल शोज में हिस्सा लिया है। अमृतसर में पली बड़ी मुस्कान ने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। आज फैशन इंडस्ट्री में मुस्कान नारंग एक जाना माना नाम है। आज उनका नाम हर फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हर बड़ी फिल्म में शामिल होता है। मुस्कान ने अपने अब तक के करियर में बॉलीवुड के कई सितारों के लिए काम किया है, जिसमें अरबाज खान, डीनो मौर्या, बिपाशा बासु, सनी लियोनी, मीका सिंह, कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा जैसे स्टार्स शामिल हैं। इसके अलावा मुस्कान ने 100 से ज्यादा फिल्मों के लिए पीआर का काम भी किया है। मुस्कान एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन है। इसके अलावा मुस्कान खुद का एक फैशन ब्लॉग भी चलाती हैं। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद मुस्कान अपनी मिट्टी को नहीं भूली। वो हमेशा वाहेगुरु और अपनी फैमिली को उनका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद करती हैं। जब मुस्कान से उनके अचीवमेंट के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मेरी जर्नी ना तो ज़्यादा मुश्किल थी और ना ही आसान, क्योंकि ये काम मेरा पैशन है। और जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप किसी भी मुकाम पर पहुँच सकते हैं। आज मुस्कान ने अपने आप को साबित कर दिया है। वहीं ये अवार्ड लेते हुए मुस्कान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी।